Hey guys, Kriti Sundar here. Welcome to another fresh new video of our Tech Groom YouTube channel. In today's video, we'll talk about what are the mechanical keyboard. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाते होंगे तो कीबोर्ड का भी यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है? नहीं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए इसके बारे में जानने के लिए। बाकी तो सब आपको पता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बता दो वीडियो कैसा लगा। और सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा, मैकेनिकल कीबोर्ड आखिर होता क्या है। आपने अगर कोई वीडियो देखा होगा बेस्ट कीबोर्ड की या फिर कह लो बेस्ट गेमिंग सेटअप्स की, तो वहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड की जिक्र होती है। कंप्यूटर में भी प्रोफेशनल मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। आखिर मैकेनिकल कीबोर्ड है क्या, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कीबोर्ड की या कीपैड की, जो आपके कैलकुलेटर या टीवी रिमोट में होती है। वहाँ पर मेम्ब्रेन के काम आती है। आपको तोड़ फोड़ में इंटरेस्ट हो तो आपने टीवी रिमोट या फिर कैलकुलेटर में देखा होगा, वहाँ पर आपको एक रबर की मेम्ब्रेन मिलेगी जहाँ पे अलग अलग बटन्स के लोकेशन मार्क है। उसके नीचे आता है सर्किट बोर्ड, जिसमें मतलब आप अगर कोई की प्रेस करते हो तो उसका मेम्ब्रेन का हिस्सा टच करेगा रजिस्टिव पैड के ऊपर, जिससे पता चलेगा कि आपने कौन सा की प्रेस किया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है फीडबैक की, यानी कि दोस्तों आप अगर मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज करते हो तो वहाँ पे आपको फीडबैक देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब दोस्तों, आप अगर स्पीड में टाइपिंग कर रहे हो तो कोई बटन अगर छूट गया तो आपको पता नहीं चलता, वहाँ पर फीडबैक नहीं मिलता कि बटन प्रेस हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड की। यहाँ पे हर एक स्विच मैकेनिकल है, यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग है, लीवर है, तो आपको पता चलता है कि कौन सा की प्रेस हो चुका है या नहीं। तो आपको अगर फीडबैक मिलता है, आप अगर स्पीड में टाइपिंग करते हो तो ये वाली की प्रेस हो चुकी है या नहीं, तो आपको मतलब काफी कमाल का टाइपिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अलग अलग वेरायटी के स्विचेस अवेलेबल है, आपके चॉइस के हिसाब से। आपको हार्ड क्लिक चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, साइलेंट क्लिक चाहिए या फिर क्लिक साउंड वाली चाहिए, यानी कि आपके चॉइस के हिसाब से आपको कैसे फीडबैक वाली कीबोर्ड चाहिए, यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर आप गेमर हो तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड वाली कीबोर्ड लेनी चाहिए। तो ये सारे बातें हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे टेक के नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।